मंगेशकर पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन। देवी और सज्जनों अमिताभ बच्चन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव हृदयनाथ जी, उषा जी, मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य और अपने देवी और सज्जनों आप सबको मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का ये पुरस्कार मुझे समर्पित किया गया है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया, मैंने सदा अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि इस तरह का पुरस्कार मुझे मिले। हृदयनाथ जी ने बहुत प्रयत्न किया था कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और काफ़ी सालों से उनका ये प्रयत्न था। पिछले साल भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ हृदयनाथ जी, पिछली बार तो मैंने बोल दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा। दरअसल मैं स्वस्थ था लेकिन आना नहीं चाहता। तो अब की साल मेरे पास कोई बहाना नहीं था इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ा। कुछ बातें जो है मैं आपके साथ हिंदी में कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मैंने जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो इधर ही जनता से आवाज आई, ये मराठी मराठी। तो मैंने हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग ली और कहा कि मराठी शिकत आए और बच गया। लेकिन ये जो वाकया हुआ था इसको 10-12 साल हो गए और अभी तक मैं मराठी नहीं सीख पाया। पहले समय नहीं मिलता था, अब वृद्धावस्था में थोड़ा सा समय मिल रहा है इसलिए मैं प्रयत्नशील हूं कि मराठी सीखूं। लता जी का स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होते थे। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने, उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम में भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है, वहाँ पर एक हॉल है फेल्ट फोरम, यहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आ करके मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया है कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी मैं आ जाऊँगा।
जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा, अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक शोक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था, हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो वो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा भाई साहब अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों में, देशों में, और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है। तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला और कई बार उनके साथ एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया। लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबू जी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की तरह, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है वो कभी टूटता नहीं। ये है मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि जब भी सही सुर लगता है तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जो डोर है जो हमारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ती है, ये है लता मंगेशकर जी का स्वर। जितनी बार उनके सुर को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया एक ऐसी डोर से जो सदा झंकृत होती रहती है। इस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें कहनी चाहिए, तो हमारे एक मित्र हैं उनसे मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा कार्यक्रम है हमको कुछ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके कुछ लिख सकते हैं क्या। तो उन्होंने और हमने मिल करके छोटी सी चंद शब्द लिखे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो ये जो शब्द है इसको एक शीर्षक भी दिया हुआ है, और शीर्षक है आकाशाची सावली। आकाशाची सावली। काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होते मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय की ते अशक्य होते, वेलच नव्हता। तेव्हा कार्य यस उद्देश होते आणि कार्य यस कर्म होते, हेतु काय कर्तृत्व काय सिद्धि काय सगळे एकच होते। अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रण रण त्या उन्हात, आकाशाची एक सावली मला लाभली, त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर। माझ्या करिता लता दीदीचे स्वर हा संगीताचा परिचय होता, हीच संगीताची परिभाषा होती, हीच संगीताची व्याख्या होती। लता दीदी म्हणजे संगीत आणि संगीत म्हणजे लता दीदी, माझ्याकरिता समानार्थी शब्द आहेत दोन्ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशाची साधन, हम मानते हैं कि आकाश जो है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं, और ब्रह्मा के बगल में
माँ सरस्वती जो हैं वो विराजमान हैं। साक्षात सरस्वती का रूप लता मंगेशकर जी हमारे समक्ष थी, तो वो ब्रह्मा के बगल में बैठी हैं, विराजमान हैं, ब्रह्म के साया में बैठी हैं। यहीं से बना आकाश है जी सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।